हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह के 6:30 बज रहे, मेरे सारे मॉर्निंग के काम निपट चुके हैं और मैं नहाकर चली आ रही हूँ। अब चलते हैं किचन में, कुछ नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। आज मुझे मेथी के थेपले बनाने हैं, तो पहले तो मैंने चाय रख दी है, तो हमारी मॉर्निंग वाली चाय बन चुकी है। अभी तो दूध नहीं आया है, कल का दूध ही मैंने थोड़ा सा रख दिया है और आज का दिन है मंगलवार। तो आप सोचते होंगे आज तो संडे भी नहीं है, दिनेश को क्यों छुट्टी मिली है? क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं कल से, और दिनेश का सब्जेक्ट है कन्नड़ा इंग्लिश और आज है हिंदी पेपर, तो इसी वजह से दिनेश को आज छुट्टी मिली है पढ़ाई करने के लिए। तो सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करने में लगा था, 1 से 2 घंटे उसकी पढ़ाई हो गई है। अब उसे लगी हल्की हल्की भूख, तो बोल रहा था कि मम्मी ब्रेड ले आऊँगा, क्योंकि सुबह जल्दी इसे खाना खाने की आदत है, कॉलेज जाता है 7 बजे तो खाना खा के ही जाता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी भूख लग जाती है क्योंकि आदत हो चुकी है। तो आज छुट्टी है इसलिए खाना तो नहीं बना है, अपने मॉर्निंग वाले काम में मैं लग गई थी। अब मुझे बनाना है नाश्ता, तो जब मेथी के थेपले और पराठे जो हम बनाते हैं ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है सारी तैयारी करने में। तो दिनेश गया है ब्रेड लाने के लिए, दिनेश आ जाएगा तो उसके लिए मैं चाय बना दूँगी, क्योंकि आने में बहुत लेट करेगा वो। जब वो बाहर जाता है ना, तो उसके दोस्त मिल जाते हैं, तो वहीं बातचीत करने में लग जाता है, फिर उसे वो भूल जाता है कि उसे घर भी जाना है। तो जब वो आए तब आए, तब तक हम ये काम कर लेते हैं। जैसे मुझे बनाने आज मेथी के पराठे, तो इसमें थोड़ा सा रेडी करने में टाइम लग जाता है। जैसे सारे आटे लो, तो यहाँ पर मैंने 4 प्रकार के आटे ले लिए हैं। ज्वार का आटा 1 कटोरी ले लिया है, आधी कटोरी चावल का आटा, आधी कटोरी बेसन लिया है, आधी कटोरी गेहूँ का आटा ले लिया है। सारे आटे मैंने अच्छे से छन्नी कर लिए हैं। आप चाहो तो गेहूँ के आटे में भी ये पराठे बना सकते हो, ज़्यादा आटे जैसे ज्वार वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं, मगर मैंने यहाँ पर सारे आटे मिक्स कर लिए, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो दिनेश ब्रेड लाने के लिए गया था, फिर बीच में से चला आया, जैसे रास्ते में से ही चला आया है घर तरफ, क्योंकि इसके दोस्त को ना पैड की ज़रूरत है। जैसे आज हिंदी के एग्ज़ाम है, तो उसका दोस्त मिल गया था। अब 7 बज रहे, तो स्कूल की बस जा रही है, स्कूल नहीं कॉलेज की बस जा रही है, तो उसके दोस्त के पास पैड नहीं है, तो दिनेश वही भागते भागते लेके गया है, कहीं बस ना छूट जाए, तो बहुत तेज़ी से साइकिल लेकर चला गया है। अब आते समय ब्रेड ले आएगा, तो मैंने कहा ना वो जल्दी से नहीं आएगा घर, तो ये देखिए आ गया है ब्रेड लेके। तो चाय भी बनने के लिए रख दूँगी, पहले मैं आटा लगा देती हूँ, जैसे हाथ में का मेरा काम ख़त्म हो जाए। अभी मुझे रंगोली भी बनानी है, सुबह एक बार काम में लग जाओ तो पूरे काम कर लो ना, तो सही रहता है। अगर कोई काम छोड़ दो बाद में करने के लिए, तो वो जल्दी से हो ही नहीं पाता है, जैसे अब हो रहा है। पूरे घर की क्लीनिंग तो कर ली मैंने, मगर रंगोली बनाने की रख दी है, तो सोचा पहले मैं आटा लगा दूँ, इसमें टाइम भी लगने वाला है। तो सारे आटे मैंने एक जगह कर लिए हैं, इसमें हरी मिर्च, लहसुन, अदरक ये सब कुछ दरदरा सा पीस के डाल देना है, और सूखे मसालों में हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और अजवाइन 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, हाथ से मसल कर हमें डाल देना है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। फिर आधी कटोरी मैंने सफ़ेद तिल डाले हैं, 2 चम्मच तेल डाला है, तेल डालने से ना थेपले एकदम नरम बन जाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर बाद में हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए आटा हम अच्छे से गूंद लेंगे, ना ज़्यादा थिक करेंगे ना ज़्यादा पतला। तो इस तरह से ये डो हमारा लग चुका है, ढककर रख दिया है। पहले मैं रंगोली बनाकर आ जाती हूँ, तो मैंने छोटी सी कलरफुल रंगोली बना दी है, लेट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। सुबह सुबह जल्दी से ही करते जाओ ना, उसे हाथ से तो हो जाते हैं, अगर लेट हो गया तो बहुत ही लेट हो जाता है। तो ये मेन गेट भी मैंने खींच लिया है, तो दिनेश यहाँ पर सारे ब्रेड थाली में निकाल ले रहा है, चाय बनने के लिए रख दी है। तो ये देखिए सारे पैकेट में से ब्रेड निकाल कर थाली में रख दिया है दिनेश ने, तो बाद में मैं कवर में डालकर रख दूँगी, कुछ अलग से ही काम हो जाते हैं जब ये घर में रहता है। तो यहाँ पर चाय भी बन चुकी है, तो सुबह की दूसरी चाय है, एक बार मैंने बनाकर पी ली थी। नहाते ही चाय पियो ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, नहीं तो नहाते ही थोड़ा सा सिर भारी भारी होने लगता है। तो हमने चाय पी ली, ब्रेड भी खा लिया है। अब मैं यहाँ पर पहले बना रही हूँ ताजे नारियल की चटनी, तो आज का नाश्ता बहुत ही अच्छा बनने वाला है। ताजे नारियल की चटनी, मेथी के पराठे, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर देखिए मोतिया के और दिनेश के क्या कारनामे चल रहे, क्या कारस्थान कर रहे, छुट्टी वाले दिन ना ऐसे कारनामे होते ही रहते हैं। तो मोतिया को गोद में उठाकर पूरा घर दिखा रहा है उसे, ये बेडरूम है, ये मंदिर है, ये किचन है, ये हॉल है, ये सोफा है, और उसके ऊपर ये जाकर बैठ भी गया है मोतिया, और उसके साथ बातें भी चल रही है। तसच कवर आसपास ब्रेड
ताटात ओतलेलं आहे, त्यानंतर मी याला कवर मध्ये घालून ठेवेन किंवा इथे काहीतरी करून देते आहे. आपण पहिले नाश्ता बनवा. इथे मी अगोदर चटणी तयारी करत आहे आणि इथं बघा यांचे काय कारनामे चाललेले आहेत. तो मूंगफली मैंने भुनने के लिए रख दी है. मूंगफली भुन चुकी है, अब हरी मिर्च भून लेते हैं. जब भी ताजे नारियल की चटनी बनाओ ना तो सारी चीज़ें भून को लो, भून के ले लो, तो बहुत ही अच्छी बढ़िया हमारी चटनी बनेगी. तो हरी मिर्च भून कर ले ली है, मूंगफली भून कर ले ली है और बाकी की सारी तैयारी मैंने कर ली है. तो ताजे नारियल के टुकड़े मैंने आधी कटोरी ले ली है, चार हरी मिर्च भुनी हुई, आधी कटोरी मूँगफली ले ली, हरा धनिया ले लिया है. इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ी सी चीनी डालेंगे. चीनी डालने से बहुत ही अच्छी चटनी में टेस्ट आएगा. तो पहले तो मैंने थोड़ा सा मिक्सी चला ली है, तो इस तरह से दरदरा सा ही पीस चुका है. फिर बाद में हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर से चलाएंगे. एकदम महीन हमें चटनी पीस लेनी है. और दिनेश मोतिया को बांध कर आ गया है, अब तो पूरा घर दिखाने में लगा हुआ था, अब उसे बांध कर आ गया. अभी इसे भूख लगी है. ब्रेड ले तो आया मगर खाया नहीं, खाली एक पीस खा लिया इसने. बोल रहा था मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना ही खाना है, तो इसलिए मैं फटाफट से चटनी बना लेती हूँ. तो मैंने चटनी एकदम महीन पीस लिए, एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और चटनी को हम तड़का लगा देंगे. तड़का लगाने के लिए पैन में दो चम्मच ऑयल ले लिया है, इसमें जीरा और राई डाल देंगे. इसे अच्छे से चटकने देते हैं. अब डालेंगे इसमें हींग. तो यहाँ पर आधी चम्मच मैंने छोटी चम्मच से हींग डाला है, कड़ी पत्ते डाले हैं. इस चटनी में कड़ी पत्तों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया आता है. और थोड़ा सा हरा धनिया डाला है और बस ये तड़का इसमें हम उड़ेल देंगे. तो हमारी ताजे नारियल की चटनी बनकर रेडी है. ये चटनी आप पराठों के साथ भी खा सकते हो, या फिर डोसे बनाओ तो उसके साथ भी बहुत ही बढ़िया लगती है, या फिर आपे के साथ भी. तो चटनी बन चुकी है, अब फटाफट से हम पराठे बना लेते हैं. तो यहाँ पर मैंने चकला ले लिया है, बेलन ले लिया है. हम बेल के ये पराठे बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया बनते हैं. तो पहले तो हम गैस पर पैन रख देते हैं, जब तक ये पैन गर्म हो रहा है तब तक हम पराठा बेल लेते हैं. तो हमें जितना पतला चाहिए उतना हम पतला बना सकते हैं. अगर गेहूं के आटे का हमने डो बना कर रखा है ना, तो बहुत ही बढ़िया और एकदम पतला सा बन जाता है. मगर मैंने यहाँ पर सारे आटे मिक्स किए हैं, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा आटा लगा लगा के मैं पतला सा बेल ले रही हूँ. और दो प्रकार की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ इसी आटे से. पहले तो मैं इस तरह से बेल कर पराठे बनाऊँगी, फिर बाद में मैं इसी के थेपले बनाऊँगी प्याज वगैरह डाल के. क्योंकि दिनेश को पापा को ना प्याज के पराठे जो थेपले होते हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है. तो इस तरह से मैं खाली चार बना लूँगी ये मेथी के थेपले. ये भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं, मगर घर में ना सबको अलग अलग थोड़ा सा चेंजेस है खाने में. किसी को वो पसंद है तो किसी को ये पसंद है. तो दिनेश के पापा के लिए जो पसंद है वही बना दूँगी. जैसे प्याज डाल के, इसी आटे का खाली प्याज डालना है मुझे, और कुछ नहीं करना है. तो ये देखिए एकदम बढ़िया से हमारे पराठे सेक रहे. थोड़ा सा ऑयल लगा लगा के हम अच्छे से सेक लेंगे, तो बहुत ही बढ़िया दिख रहे. जितने बढ़िया दिख रहे ना, खाने में भी उतने ही टेस्टी लगेंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे. आप ये पराठे दही के साथ भी खा सकते हो, सॉस के साथ भी खा सकते हो, या फिर ताजे नारियल की चटनी जो मैंने बनाई उसके साथ तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं. तो अच्छे से पराठे सेक लेंगे. और दिनेश के पापा को भी फ़ोन लगाया था, अब सुबह के 9 बज रहे, तो जब तक वो आ जाएंगे तब तक मैं सारे पराठे बना लूँगी. फिर आने के बाद मैं थेपले बना लूँगी, गर्मा गर्म थेपले, वो भी खाकर फिर गहरे चले जाएंगे. क्योंकि बाद में उन्हें एक बार काम में लग जाएंगे ना, फिर बाद में नहीं आ पाते जल्दी से. सुबह सुबह के टाइम थोड़ा सा जैसे बैठे रहते हैं, तो मैंने फ़ोन लगाया था कि आकर गर्मा गर्म नाश्ता करके फिर दोबारा से चले जाएँगे. तो यहाँ पर दिनेश मेरे लिए गिफ्ट ले आए हैं, एक गन्ने का फूल है, तो वही लेकर आया. बोल रहे हैं मम्मी आपके लिए गिफ्ट है. तो जब घर में रहते ना, बहुत सारे इसके आइडिया चलते रहते, इसके दिमाग में बहुत आइडिया आते रहते हैं. तो ये देखिए एकदम बढ़िया से हमारे पराठे बनकर रेडी हो रहे हैं. तो इसी तरह से मैं खाली चार पराठे मैंने बना लिए हैं, और जो बाकी का हमारा आटा है ना, हम इसमें प्याज डालेंगे. तो यहाँ पर आधी कटोरी प्याज मैंने काट कर डाल दी है, और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे. और इसके मैं थेपले बनाऊँगी. प्याज डालने से ना बहुत ही बढ़िया ये थेपले बन जाते हैं. तो इतने पराठे मैंने सेक लिए हैं. अब थेपले बनाने के लिए हम एक कपड़ा ले लेंगे, कॉटन का कपड़ा है ये. इसे हम पानी में भिगो लेंगे और इसके ऊपर हम थेपला थाप लेंगे. इस तरह से थोड़ा सा पानी का हाथ लगाएंगे और पतला सा हम थाप लेंगे. अब हम इसमें बनाएंगे होल, और पैन पर थोड़ा सा ऑयल छिड़केंगे, और कपड़े के साथ ही ये थेपला हम इसके ऊपर हम डाल देंगे, और बाद में कपड़ा निकाल लेंगे. बहुत ही बढ़िया बनते हैं थेपले.
इसी तरह से मैं सारे आटे के थेपले बना लूँगी। और ये भी आ चुके हैं, तो फटाफट से सारे थेपले बना लेती हूँ। अभी मुझे पूजा भी करनी है, थोड़ा सा लेट हो गया, अब सुबह से नाश्ता बनाने में लगी हूँ। जैसे कुछ अलग से बनाओ ना तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, और जब थेपले पराठों की बात आती है ना तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, क्योंकि इसकी सारी तैयारी करना, काटना पीटना इसी में टाइम लग जाता है। तो ये देखिए एकदम बड़े ऐसे हमारे थेपले बनकर रेडी हो रहे। तो ये थेपला अच्छे से सीख चुका है, और पापा जी भी बाहर गए थे, अभी भी आ चुके हैं, नहाने के लिए चले गए। जब तक वो नहा लेते हैं तब तक मैं सारा खाना बना लूँगी। उनके लिए रोटी भी बनानी है मुझे, वो थेपले बनाओ कुछ अलग से और कुछ भी बना लो, मगर वो नहीं खाएंगे, थोड़ा सा खा लेंगे, उन्हें रोटी ही चाहिए होती है। तो मैंने यहाँ पर ज्वार की रोटी भी बना ली है, थेपले भी बन चुके हैं, पराठे भी बन चुके हैं, ताजा नारियल की चटनी भी बन चुकी है, सब कुछ बन चुका है। अब सबके लिए मैं खाना लगा रही हूँ। तो हमारा बढ़िया सा नाश्ता बनकर रेडी हो गया है, तो आ जाइए आप भी नाश्ता करने के लिए। तो दिनेश प्लेट लेकर जा रहा है सबके लिए। तो यहाँ पर पापा जी का, दिनेश के पापा का, दिनेश का, सबका नाश्ता हो चुका है। और यहाँ पर ये बैनर यहाँ पर लगाना है, बहुत दिनों से लाकर रखा हुआ है इन्होंने, मगर यहाँ पर ग्लास लगवाना है, उसके अंदर एक बैनर लगाना है। तो इसके लिए एक कारपेंटर को बुला कर ले आया है, ताकि जो भी मेजरमेंट है वो देख कर फिर वो ग्लास लाकर बिठा सके। तो वही देख रहे थे नाप तोल के कि कैसे बैठेगा, कहाँ तक बैठेगा, और ऊपर जो होल्डर लगा हुआ है वो भी निकालना चाहिए हमें, बोल रहे थे कि उसे निकालना पड़ेगा। वहाँ पर ये लग रहा है थोड़ा सा बैनर बड़ा है, दीवार में सही से आ रहा है इस तरह से, मगर ऊँचे ऊपर की साइड ना ये होल्डर है वो निकालना पड़ेगा, वही बोल रहे थे। तो वही नाप तोल देख रहे बैनर की भी, दीवार की भी, ताकि ये ग्लास लाकर बिठा सके। तो इनका ये चलता रहेगा। आप बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी न्यू वीडियोस, न्यू व्लॉग्स आपको डेली डेली मिलते रहे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।